अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उकाड़ा दे कबूतर। क्या हाल चाल है सर दोस्तों का? उम्मीद है सारे दोस्त जो हैं वो खराफियत से होंगे। सर दोस्तों, कल जो है मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से जो है ना मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज जो अभी मैं दुकान से आया हूँ, ठीक है, तकरीबन उनकी 5 बजे का टाइम है, 5:30 का। तो दाना वगैरह इन्हें डालेंगे, ठीक है जी। और सब्सक्राइबर ने जो चीज़ मुझे भेजी थी बाहर से, ठीक है, उसका भी शो करवाऊँगा। और कुछ मेरे पास नुस्खा जात पड़े हुए थे, कुछ लिखे हुए हैं, कुछ वैसे बना के रखे हुए हैं, ठीक है, कोई मेडिसिन के मुतालिक या कुछ भी, तो वो भी आप सब दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा आज, ठीक है जी। यानी कि उड़ाने से मुतालिक या बेसिकली आप ताकत के मुतालिक कहने, उड़ाने के मुतालिक मैं आप लोगों से मैं शेयर नहीं करूँगा, ठीक है जी। मैं आपको पहले कहता हूँ कि जुल्म अपना अपना, ताकत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है, गाला वगैरह या कुछ भी इस तरह की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये ऊपर एक कबूतर भी बैठा हुआ है, कबूतर है या कबूतरी है गालबंद, ठीक है। तो इसे मैं पकड़ता हूँ, पकड़ के आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर करता हूँ, ठीक है जी। आप लोगों के साथ शेयर करके पकड़ के इसके फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ जी। फ्रेंड्स, ये कबूतरी है जी जो पकड़ी है, कबूतरों को मैंने सारों को दाना वगैरह डाल दिया, ठीक है जी। कबूतरी यार काफ़ी रुली हुई कबूतरी है, ठीक है। मैं आपको भी इसका जिस्म वगैरह दिखाऊंगा तो आप लोगों को जो ना आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आंखें भी यूं जैसे नहीं, वो कमज़ोरी की वजह से थोड़ी थोड़ी बंद थी होती हैं ऐसे, ठीक है। ये देखें, ठीक है जी। यार मैं कलर वगैरह भी बनाता रहा हूँ कबूतरों के लिए, वो जो काला रंग होता है, ठीक है जी। एग्जैक्ट फार्मूला आज जो है ना उसका पता करने में यकीन माने के बड़ी मेहनत लगी है, लेकिन एग्जैक्ट ब्लैक कलर बना है, बिल्कुल जट ब्लैक। ये इसके पंजे देखें आप, सबसे पहले नीचे से किस तरह गंदे हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये काफ़ी रुलती रही है, तारों शारों पे भी बैठती रही है। तो ये देखें, वगी भी हुई है थोड़ी सी, ठीक हो गया जी। और अब मैं आपको इसका जिस्म दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना आइडिया हो जाए कि कितनी की ख़त्म हुई हुई है। ये देख लें, बिल्कुल एंड हुई हुई है, ठीक है। ये आपको जिसमें इसका नज़र आ रहा है बिल्कुल काला, ठीक है जी, पानी की कमी, ठीक है जी। ये एक दिन तो नहीं रुली क्योंकि दिन इतने सख्त नहीं है, सुबह से शाम तक कबूतर ऐसे उड़े भी तो कबूतर जो है ना इतना काला नहीं होता नीचे से। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कबूतरी रुली हुई है, ठीक है जी। ये इसके पल्ले हैं जी, बीच में से पर जो हैं कटे हुए हैं। अच्छा, एक तो वो मैं आपको कलफ बनाने का, बड़ी कमाल कबूतरी है यार, पर बहुत अच्छा है, ठीक है जी। इसे कबूतरी को जो है जोड़ों के लिए रोका जा सकता है, यकीन माने आप, बहुत अल्लाह हड्डी जोड़ बिल्कुल बंद है, परों में उठाओ बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। ये कबूतरी की मेरा भाई मुकम्मल बनतर है, बिल्कुल भूखी है। तो अभी सबसे पहले मैं इसे पानी दूंगा, इसके जिस्म का पानी शानी ज़रा पूरा हो, ठीक है जी। फिर इसको जो है आगे, यानी कि अगर ठीक है चले आपके सामने पानी पिलाता हूँ, अगर पीती है तो संभालना इसको कैसे है, वो भी आप लोगों के साथ ज़रा मैं शेयर करता हूँ जी। तो फ्रेंड्स, ये मैं कप में पानी लेके आया हूँ, ठीक है जी। अरे भाई पी ले, अगर ना पिएगी तो टीक, ये देख लें। ठीक है जी, ये कबूतरी मेरे हिसाब से कम 3 से 4 दिन रुली हुई कबूतरी है। लो जी दोस्तों, अब इसका सबसे पहले मैं पानी, ये मैंने इसको इतना पानी पीने नहीं देना था, ठीक है, अगर संभाल के लिहाज से देखें। पानी अच्छा, उसके सब रीज़न तो ये है कि पानी मैंने इसको इसलिए पीने दिया है कि अगर ये उड़कर आई होती ना, एक तो रुलना होता है ना कि जगह जगह पर उधर बैठ गई उधर बैठ गई, वो भूख प्यासी, एक उड़कर आया होता है कि स्टेमिने का और सांस का मसला होता है ज़रा, उसकी संभाल और तरह की है। इसका क्योंकि जिस्म ओवर हीट नहीं हुआ हुआ था, इस वजह से जो है ना इसको मैंने इतना पानी पीने दिया है। अब इसको थोड़ी देर तक मैं पलटा दूंगा एक दफ़ा, ठीक है जी, ताकि अंदर की थोड़ी सी हीट वगैरह इसकी निकल जाएगी। तो फिर जो है इसे मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरा करके फिर इसे दाने पे छोड़ूंगा, ठीक है जी। तो उतनी देर मैं नीचे वाले को भी दाना वगैरह डालूँ, तो फिर आपके साथ जो है वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, फिर बल्कि वो नुस्खों का बताता हूँ आपको जी। तो फ्रेंड्स,
अच्छा ये ठीक है, राव साहब हैं अपने सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह से, ये उन्होंने सुचो मोती भेजे थे जनाब, ठीक है, और सिल्वर से एंट्रन थी, ये टेप वगैरह ऊपर ना लगी हुई थी पैकिंग के साथ ना, ये देख लें तो ये उतारते हुए इसके स्टिकर विकर जो है ना उतर गए थे, ठीक हो गया। एक डब्बी सिल्वर सेंट्रम की थी और बच्चों के लिए जो है ना वो टॉफियाँ वगैरह थी, चॉकलेट्स वगैरह थी, ये देखें, ठीक है। अब ये जो गोली है, ठीक है जी, ये कबूतर के वापसी के संभाल पर मीन्स के ताकत वगैरह की बहाली के लिए इस्तेमाल होती है ये सिल्वर सेंट्रम, ठीक है। हर बंदा अपने अपने तरीके से इसको इस्तेमाल करता है। और ये जो सुचे मोती हैं इनको जो है ना ये कह लें कि इनकी रगड़ाई करनी पड़ती है, इनको मारना पड़ता है, ठीक है, जैसे पंजाबी में बोलते हैं मारना पड़ता है। इन्हें मारने से मुराद ये है कि अगर आप, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, मेरे पास पिछले सीज़न के भी थोड़े से पड़े हुए हैं। दो चीज़ें तो ये होगी, ठीक है जी, ये देखें आप, ठीक है, ये सुचे मोती ऊपर मैंने लिखा भी हुआ था। अब ये देखें आप, ये गाले वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, ये ठंडा होता है और ठीक है, यानी कि ताकत के ये चीज़ों में ये जो है ना इस्तेमाल होता है कबूतर के लिए, गाले वगैरह में इस्तेमाल हो जाता है ये, जो कबूतर को मुरब्बे शरबे का गाला देते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, वो हर किसी का अपना अपना तरीका कार है, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको मारने का तरीका क्या है, जैसे अब ये राम फॉर्म में जो है ना मेरे पास बिल्कुल प्योर फॉर्म में दुबई से उन्होंने भेजे हैं मुझे उस दिन, सॉरी पिछली वीडियो में बोल रहा था कि सऊदी अरब से, तो उनसे बाद में मेरी बात हुई तो वो बेसिकली दुबई से हैं। अच्छा, तो ये रॉ फॉर्म इस तरह होते हैं, ठीक है जी, तो इनको जो है आप लोगों ने गुलाब के अरक में, ठीक है, एक दिन पहले या दो दिन पहले गुलाब की अरक की जो छोटी शीशी है, या जितना आप इस पर यानी कि कह रहे कि जितना मीठा गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा असर आएगा। उसका तरीकाकार यह है कि आपने इसको यानी कि पीसने से पहले ना दो दिन तीन दिन पहले गुलाब के अरक की एक शीशी लें छोटी, इतने मोतियों के लिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा गुलाब का रग लगेगा, एक छोटी इतनी सी बोतल होती है गुलाब के रग की, उसमें इसको दो दिन भिगो देना है पहले, दो दिन बाद आप इसको उसमें से निकाल लें, उसमें से निकाल के इसको पाउडर कर लें, ठीक है, पाउडर कर ही जाएँ और एक ढक्कन फिर उसमें जो है ना गुलाब का रग डाल दें, फिर उसको रगड़ना शुरू करें, वो फिर गुलाब का रग जो है ना सारा खुश्क हो जाएगा। कर करके आप लोगों ने सारा गुलाब का रग इसी तरह रगड़ाई करके जो है ना आप लोगों ने उसको ख़त्म कर देना है, जिस तरह ये मैंने आपको दिखाया है वो इस फॉर्म में दोबारा आ जाना है, रगड़ रगड़ के गुलाब के अरक को जो है ना खुश्क करना है, उसका पानी आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है, और इसमें आपको ज़रा सी भी रड़क महसूस नहीं होगी, ठीक है, यानी कि इतनी आप इसकी रगड़ाई करेंगे कि आपको इसमें ज़रा सी भी रड़क महसूस नहीं होगी, हवा भर भी रड़क महसूस नहीं होगी, बल्कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप किसी चीज़ के ऊपर हाथ फेर रहे हैं या नहीं फेर, ठीक है, ज़रा भी रड़क उसमें नहीं होनी चाहिए। ये लें, अब ये देखना, यानी कि ये इतना का पाउडर है, ये मेरी उंगली को लग गया, ये इधर फैल गया, और ये लें, ये लें, ठीक है, ये नहीं उड़ रहा इतना, यानी कि ये पाउडर फॉर्म में ब्रीक हो चुका हुआ है कि ये हाथ के जो मसाम है ना उनके अंदर कह लें कि जो ना जज़ब हो गया, ठीक है जी, ठीक है। ये तो इनकी रगड़ाई इस तरह करते हैं, बाकी बने बनाए भी मिल जाते हैं, लेकिन जो खुद बंदा इंसान मेहनत करता है अपनी आंखों के सामने देखता है वो चीज़ और है, या जो अपने हाथों से करता है, ठीक है जी। बाकी सिल्वर सेंट्रम जो है वो कबूतरों की बहाली के लिए है, ताकत के लिए भी है, ठीक है, पट्ठों वगैरह के लिए, ये बेसिकली इंसान के लिए होते हैं सिल्वर सेंट्रम जो है, जो 50 से ऊपर के एज के लोग होते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें अब जो 50 से ऊपर एज का है वो अच्छी इतनी खुराक नहीं खा सकता, ठीक है, वो ये एक गोली खाएं समझो उसने जो हर चीज़ जो है ना वो थोड़ी थोड़ी खा ली है, इस गोली में हर तरह की ताकत है, अंडा भी खा लिया, दूध भी पी लिया, गोश्त भी खा लिया, मटन बीफ चिकन ये हर चीज़ समझो उसने खा ली है, इस गोली के फ़ायदे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये अफलाद कुछ तो अफलाद, ठीक है जी, अब इसको इंसान को तैयार करने के लिए कम से कम 2 साल का टाइम, 2 से 3 साल का टाइम लगता है इसको तैयार करने के लिए। ये मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, ठीक है, ये उसने ही तैयार किया हुआ था, मीन्स के तबार वाला बंदा है, ठीक है, इस वजह से मैंने ख़रीद लिया, वरना हमारा खुद का भी लोहे का ही काम है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट का और स्पेयर पार्ट का ये वो, तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए होता है हार्ड लोया, सख्त किस्म का लोया, लोया होता है 2 किस्म का, तो अगर ये कोई मेहनत करना चाहे तो कर सकता है जनाब, मैं इस वजह से बता रहा हूँ,
ये भी कबूतर को गाले वगैरह में इस्तेमाल होता है, होता कितना इस्तेमाल है, माचिस की तीली के जो पीछे वाला हिस्सा उसे थोड़ा सा उठाना है, और मुरब्बे में इन चीज़ों में जो ना आप उन्हें ये चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है, ताकत के लिए। वो एक अलहदा टॉपिक बनाएंगे हम। अच्छा सॉरी फ्रेंड, बीच में जो ना कॉल आ गई थी। अच्छा जी, तो ये ठीक है ना, मैंने को बताया कि मुरब्बों वगैरह में कबूतर का जो गाला है उसमें इस्तेमाल होता है। अब गाला आप लोग किस तरह का देते हैं, वो जिसमें सोने का वर्क भी हो सकता है, चांदी का वर्क भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें जो है ना गालों वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी। तो अच्छा ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है जी। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ और जो चीज़ मैं अभी डिटेल बता सकता हूँ वो आपको बता भी रहा हूँ। अच्छा, इसको सॉरी बनाने का तरीका, आपने लोहा आता है दो किस्म का मेरे भाई, एक लोहा होता है हार्ड, मीन्स के मुड़ता नहीं है, उसको यूं करेंगे क्रैक पड़ेगा और टूट जाएगा, और एक होता है नरम, ठीक है, जिसको आप यूं मुड़ोड़ेंगे वो गोल हो जाएगा सरिये की तरह। उस तरह का आपने लोहा नहीं लेना। जो लोहा हार्ड हो, जैसे एक आम बैरंग जो होता है उसके जो कप हो गई और कोन हो गई, ठीक है, इसमें कप और कोन ये दोनों हार्ड बैरंग के बने, हार्ड यानी कि ना लोहे के बने होते हैं, या किसी भी खरादी के पास लेके जाएं, उसे उस पर जो ना टूल लगवाएं, टूल लगवा के उसका बुरा कर लें बारीक। और जो चीनी का मर्तबान होता है जिसमें पहले अचार वगैरह घर वाले डालते थे या गांव में अभी भी डालते होंगे, ठीक है जी, उसके जो है ना आप लोगों ने क्या करना है कि उसमें वो बूरा लेके उसको जामन के रस में, जामन के रस में मुख्तलिफ सीजन के साथ साथ ना आपने मुख्तलिफ फलों का उसमें आ जाओ। अच्छा सॉरी यार, ये बच्चा आ गया था नीचे से, इस वजह से मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ी थी। तो बूतो देख लो आप, जाओ आगे से ले लो, बूतो ले लो। इसके ना दरअसल हाथ पे लग जल गया इसका हाथ, मैं बाइक पर आया तो इसने सिलेंसर पकड़ लिया बाइक का, अब ये नीचे तंग कर रहा था तो अभी ये ऊपर आया। अच्छा खैर टॉपिक पे आते हैं। तो दो साल जो है ना आप लोगों ने उसमें वो पानी से, यानी कि वो जो आपने फलाद बीच में लोया बीच में डाला हुआ है उसको आपने मुख्तलिफ फलों का जूस आपने डालना है, अनार का डाल लें या जिस चीज़ का भी डालें, ठीक है। जामुन का सबसे बेस्ट है क्योंकि जामुन में खुद जो है ना सबसे ज़्यादा आयरन जामुन में होता है, ठीक है। अगर उसमें डालेंगे दो साल आप उसको पड़ा रहने दें, उसको दो साल के बाद जब वो यानी कि जामुन के रस में उसको जंग लग जाएगा वो बिल्कुल पाउडर। हाँ जी बेटा आप पकड़ लो, वो खुद ब खुद जो है ना पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा, सारी बस जंग जो है ना बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। फिर जो है ना उसके बाद आप लोगों ने उसका वो जब खुश्क हो जाए थोड़ा सा, बिल्कुल जंग सा रह जाए, तो आपने उसको किसी भी यानी कि हमाम दस्ते में निकाल लेना है, वो जो कूटने के लिए इस्तेमाल होता है उसमें निकाल के आप लोगों ने उसकी जनाबे वाली यूं ही गुलाब का अरक या लाल अनार का जूस, लाल अनार के जूस में या गुलाब के अरक में, गुलाब का जो अरक है वो तसीर ठंडी रखता है, ठीक है जी, और जो अनार का जूस है वो तसीर ठंडी भी रखता है और हाजमेदार भी होता है, मीन्स कि आपके कबूतरों को बादाम चलाने में भी वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेगा जब आप गाला देंगे उसके साथ में, हाजमा भी फिट होगा, ठीक है जी। तो ये आप बस फिर उसको रगड़ाई शुरू करें, जितना का आप रगड़ेंगे उसको वो गुलाब के अरक की शीशी या जामुन सॉरी लाल अनार का जूस, ठीक है, उसमें रगड़ रगड़ के उसको बिल्कुल क्यों पाउडर कर लें, पाउडर ऐसा होना चाहिए कि जैसा हम जिस्म पे बच्चों के पाउडर नहीं लगाते पित्त वाला या रैश के लिए जो यूज़ होता है वो वाला, ठीक है, उसको आप कभी हाथ पे रख के ना यूँ देखना वो ज़रा भी आपको रड़केगा नहीं, बिल्कुल यूँ ना मुलायम मुलायम सा फील होगा, जब इस तरह का फील होने लग जाए तो जनाबे वाली आपका ये जो है ना फलाद तैयार है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको तैयार करने के लिए बता दी हैं, इस तरह ये सुचे मोती और ये जो है ना, ये देखिए जी मेहनत है, जितनी चीज़ खालस होगी कबूतर का भी नस्ली होना ज़रूरी है, और जितनी चीज़ ज़्यादा प्योरिटी में, आपको पता होगा कि ये चीज़ मेरी प्योरिटी में, वो उतना ज़्यादा असर रखेगी, ठीक है जी। आप नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं। हाँ जी बेटा। अच्छा बेटा जी, अच्छा इस डब्बी पे हम फिर नेक्स्ट आएंगे, पिता आ गए जो, अच्छा वो आप वो ले लो उधर से जाओ, बूतों का पकड़ो आप, ठीक है। इस डब्बी में जो मेरे पास नुस्खे वगैरह लिखे हुए हैं ये हम नेक्स्ट आएंगे, अभी यकीन रोजे के साथ बोल बोल के ना बुरा हाल हो गया, कल मैंने दवाई मेडिसिन भी ली है। हाँ जी बेटा, हाँ। अंदर चला गया। अच्छा तो वो जो डब्बी मैंने आपको दिखाई थी ना ये वाली दिखा रहा हूँ जो, ठीक है, तो इसमें मेरे पास ना मुख्तलिफ नुस्खे लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी यकीन माने कि कल मैंने मेडिसिन ली, मुझे यानी कि आज मैंने रोज़ा भी रखा और कल बुखार था, मैंने मेडिसिन ली, उसने मेडिसिन इतनी हैवी किस्म की दी है ना। अच्छा ये तो सिर्फ़ एक गोली लिखी हुई है ना कैनाडेक्सा, ठीक है, ये तो मैं फिर आपको साथ साथ बताऊँगा कि कौन सी चीज़ किस इस्तेमाल के लिए है। ज़्यादातर इसमें नुस्खे हैं, ठीक है, मोटिवा लेवल ये वो, तो क्योंकि सिर्फ लिखे हुए हैं इनकी तादाद और क्वान्टिटी नहीं लिखी हुई वो मुझे पता है, ठीक है। गुल खूब कलां बड़ी इलायची दारचीनी सौंफ
ये इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों से जो ना अलहदा वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसमें कितनी पावरफुल गोली है ना, यकीन माने के ये लें, ठीक है, ये इस तरह नुस्खे जो है ना लिखे हुए हैं। वो गोली जो है ना जनाब, उसकी 18 आप लोगों ने गोलियां बनानी होती हैं, वो जितना भी टोटल मिक्सचर होता है। कोई कबूतर को गर्म शर्म नहीं करना, कबूतर हो आपका हड राम, बादाम उसने खाए हो कम से कम 2 किलो, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, बादाम उसने कम से कम 2 किलो खाए हो और वो गोली उसके अंदर हो, कबूतर जलंधर ना हो तो जनाब बात करना, ठीक है। इतनी वो हैवी गोली है, मैंने अजमाई भी है वो गोली, तो वो भी इंशाल्लाह आप चले आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा यार मैं ये नुस्खे भी, कोई बात नहीं, खैर है उड़ाने वाले भी चलता है सब कुछ, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो बाकी वो कबूतरी को एक दफ़ा देखते हैं उसने बीट वगैरह मारी है कि नहीं मारी, ठीक है जी। ये लें जी फ्रेंड्स, अब ज़रा आप इसकी आइस पे भी नोट करें, ठीक है। जितनी देर मैंने आपके साथ वीडियोज़ बनाई है ना, उतनी देर में देख लें आप। अब आगे से थोड़ी बहुत फ्रेश भी आप लोगों को नज़र आएगी, ठीक है जी। बल्कि मैं आपको जिस्म भी दिखा देता हूँ, पानी माशाल्लाह से इसने जो है चलाना शुरू कर दिया है। पहले क्या था जिस्म और अब देखें क्या है, ठीक है जी। तो पानी इसके पास थोड़ा सा है अभी, तो इसको वो भी मैं मलछल के छोड़ूंगा। ज़रा मलाई कैसे करते हैं कबूतर की, एक तो ये आप लोगों ने ऐसे पोटे से जो है ना नीचे की तरफ हाथ फेरना होता है, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, अच्छा आते 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 आते, ठीक है जी। ये इस तरह कुंदे शुंदे, ये इस तरह, ये दुम के पटाखे, उंगलियों के पटाखे, ठीक है जी। उंगलियों के पटाखे आपको मैं अभी सुनाता हूँ, ये देखें, ले जी, ये गर्दन के इस तरह से, ठीक हो गया जी। अभी इसे मैं खाने के लिए नहीं दूंगा, पीने के लिए सिर्फ पानी वगैरह भी दूंगा, सादे पानी से संभाल कर रहा हूँ, यकीन माने। अगर इसे मैं अभी जो है ना पानी उस पे दाने पे छोड़ देता तो जनाबी वाली इसका जो है ना पोट लग जाना था। देखिए ना, पहले की निस्बत अब कम पी रही है, इसकी तलब थोड़ी सी कम हो गई है। अच्छा बेटा, अच्छा चलें, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैंने जो है ना कबूतरों को यार पानी छानी भी डालना है, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए माजरत। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है ना कबूतर वगैरह भी शेयर करूंगा, ठीक है। और वो जो डब्बी मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, उसमें जो जितने भी नुस्खे हैं इंशाल्लाह वो आपको 100% सही बताऊँगा, ठीक है जी। तो दाना पानी वगैरह इन्हें हो गया, नीचे वालों को रहता है, ठीक है। कबूतरी को मैं जो दाना है अब रोज़े के बाद दूंगा, अभी नहीं दूंगा। अच्छा बेटा चले, ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे आगे की मैंने वीडियो ऐड की तो ठीक है, वरना तब तब के लिए शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़ जी।